नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा रेजिमेंट में, जहां पर हम अलग अलग तरीकों के डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सटीक और सही जानकारी दें। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इंडिया के टॉप डिफेंस टीम्स के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल अल्फा रेजिमेंट। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। 2025 तक 24 तेजस विमानों का उत्पादन करेगा HAL। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस फाइटर जेट की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है। नासिक में तैयार होने वाली तीसरी असेंबली लाइन में तेजस एम के 1 लाख जेट का निर्माण शुरू होगा। इससे HAL की उत्पादन क्षमता 16 से 24 जेट प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच नौसेना समझौता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी नौसेना का जहाज सेवलॉर भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर आया है और भारतीय कंपनियों के साथ 5 साल के जहाज निर्माण समझौते की शुरुआत की गई है। यह समझौता अमेरिकी सेना की एक बड़ी रणनीति है जो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। इससे अमेरिका चीन के बढ़ते शक्ति के खिलाफ अपनी रणनीति को बढ़ावा देना चाहता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नई ट्रेनिंग शिप का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक प्रशिक्षण जहाज बनाने के लिए मेजागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ 310 करोड़ रुपए का समझौता किया है। यह पहला समर्पित ट्रेनिंग जहाज होगा जिसमें हेलीकॉप्टर उतारने और उड़ाने की सुविधा भी होगी। इस जहाज के निर्माण से भारत में रोजगार भी पैदा होगा और यह देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। इसके बाद भारत ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 नाम से एक रॉकेट भी लॉन्च किया है। इसरो 21 अक्टूबर को क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण करेगा। जी हां दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण करने के लिए तैयार है। इसरो ने कहा है कि क्रू एस्केप सिस्टम के परीक्षण के लिए 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी जाएगी। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को परीक्षण वाहन से अलग किया जाएगा और पैराशूट की मदद से सुरक्षित तरीके से इसे समुद्र में उतारा जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय